देखिए मैं मैंने मेरे सारे दोस्तों को, मेरे फिल्म इंडस्ट्री दोस्तों को, मेरे खास दोस्तों को, मेरे पर्सनल दोस्तों को, फैमिली सबको इनवाइट किया हूँ और मुझे लगता है कि गुडविल होने के कारण बहुत लोग ने एक्सेप्ट किया, तो मैं इस बात से बड़ा खुश हूँ क्योंकि कहते हैं कि बाकी सब खरीदा जा सकता है, गुडविल यू हैव टू अर्न। कभी भी आप किसी आदमी को ज़्यादा परेशान करो और अगर वो आदमी शरीफ हो, वो एक वो कहावत है ना कि नेवर पुश हिम टू द वॉल, तो आप जब उसको पीछे भेजोगे तो फिर वो शराफत अपनी छोड़ेगा ही, तो देन ही हैव टू कम इनटू एक्शन, ही हैज नो चॉइस। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार, बिल्कुल नर्वस नहीं हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है इस फिल्म में और एक फन कॉमिक केपर है और बहुत सारे दोस्त लोग आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स एक्साइटिंग रहेगा। जब कोई काम करो और उसमें आपके दोस्त लोग, फैमिली लोग आपके सपोर्ट करते हैं तो अच्छा ही रहता है। बिल्कुल मेरा कैरेक्टर ऐसा है जैसा रियल लाइफ में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। हैप्पी को लकी है जो ऐसा लड़का है, जो इसका एक डायलॉग है कि 2020 में रन्स और ज़िंदगी में पैसे आने ज़रूरी हैं, कैसे आ रहे हैं नो वन बॉदर्स। उसका ये कि आज जितनी पार्टी हो सकती है आज हो जाए, कल किसने देखा। एंड वही मैं जायद का रूममेट हूँ, तो उसकी लाइफ में जो मस्ती है वो मेरे कैरेक्टर के थ्रू है। इट वाज फैबुलस, इट वाज प्रोबब्ली वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव हैड इन इंडिया इन अ व्हाइल। आई एम हाफ पंजाबी, सो आई वाज रेज्ड हियर इन समर्स, बट मेकिंग मूवीज वाज नॉट समथिंग दैट हैपेंड टिल रिसेंटली, एंड द कास्ट एंड क्रू वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। आई गॉट टू प्ले अ रोल ऑफ मिस्ट्री एंड एक्साइटमेंट एंड बदमाश, सो इट वाज एब्सोल्युटली फैबुलस। आई थिंक मज़ा आने वाला है ऊपर जाके, मेरे बहुत खास दोस्त जायद की फिल्म है तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जायद एक ज़माने में मेरे प्रोड्यूसर हुआ करते थे, तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं उनकी फिल्म आके सपोर्ट कर सकती हूँ। देखिए एक बाप हमेशा अपने बेटे को खूबसूरत समझता है, लेकिन हम समझते हैं कि जायद एक बहुत ही हैंडसम है और कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी है। आज मुझे उम्मीद है कि उसकी फिल्म अच्छी जाएगी और जायद की जो वैल्यू है, रियल वैल्यू, अभी तक पर्दे पर आई नहीं, शायद आज उसकी शुरुआत। राइटर से जो एक्सपेक्टेशन है, शराफत गई तेल लेने अच्छा है। मुझे गुरमीत का डायरेक्शन हमेशा अच्छा लगता है, ये मैं पहली फिल्म उसके हाथ कर रहा हूँ और सबने बड़ा अच्छा काम किया है। इट्स अ लाइट हार्टेड कॉमेडी अबाउट ग्रीड, लालच के बारे में, बेवकूफ़ बनाने के बारे में, और एक जो शब्द और है जो मैं बोल नहीं पा रहा वो बनाने में, तो अच्छा है। इसने तो तीनों ने बड़ा अच्छा काम किया है और म्यूजिक भी मुझे अच्छा लगा, इसका गाना अच्छा लगा मुझे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं नर्वस बिल्कुल हुई ही नहीं, क्योंकि फिल्म मेरे शोल्डर के ऊपर नहीं है, जायद और रणविजय के ऊपर है। एंड आई थिंक यू नो इट्स अ कॉमेडी, इट्स कम आउट वेल, आई थिंक इट्स फास्ट पेस्ड, आई थिंक इट्स अ 1 hour 40 minute फिल्म। There's elements of everything, you know, romance, action, comedy. It's a good package, so I'm not nervous. I'm very excited, and I'm very glad that it's finally releasing because we've been promoting it for a month now, and you know, so we feel ready for it to come out. I know very less about the film, and I want to enjoy the film completely because Zayed has heard that the film is very good. The script will be good, so these two boys have worked. रणविजय और जायद आई नो रियल लाइफ में सबसे मज़ेदार, मस्त और अच्छे लड़के हैं, एंड आई एम श्योर टू ऑफ देम हैड अ गुड टाइम इन द फिल्म टुगेदर। तो दिस वंस फॉर जायद एंड रणविजय, टू वंडरफुल ह्यूमन बींग्स विद ग्रेट हार्ट्स। बहुत खुश हूँ कि इन दोनों साथ में फिल्म किया है एंड बस डाइंग टू वॉच देम टुगेदर। मेरा तो शराफत गई तेल लेने नहीं हो रहा है, यू नो, बट मुझे बचपन से बहुत शरीफ माना जाता हूँ मैं, और हमेशा रहता है कि शराफत गई तेल लेने, तो अब मैं भी उस सिचुएशन में पहुँची हूँ लाइफ में कि शराफत के तेल लेने भाई थोड़े टेढ़े बनो तो लाइफ में कुछ होगा। शराफत नहीं, वो तो पकड़ के रखा है मैंने अब तक, फ्यूचर में क्या होता है वो मुझे नहीं पता, बट ये फिल्म मैंने देखी है, इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म, वेरी वेरी हैप्पी, दिस इज़ अ वेरी प्राउड टीम। आई थिंक जायद, जो पूरी कास्ट है इस फिल्म की, द इंटायर टीम शुड बी वेरी वेरी प्राउड। वेरी एंटरटेनिंग फिल्म, आई हैव लव्ड इट, आई एम वॉचिंग फॉर द सेकेंड टाइम नाउ, एंड जायद मेरा भाई है, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम। उसका काम भी इस फिल्म में बहुत अच्छा है, सो आई विश हिम द बेस्ट, इज अ गुड गाय एंड ही डिजर्व्स ऑल द सक्सेस।